बाबा साहब, सभी से बस यही निवेदन, सुबह का समय और भैया जी लिखा आप जैसे विद्वानों ने कैसे। एक साहब घर से चले, और ये नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी। सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, कहा एक बात पूछूं सूर जी, और क्या ये बता दी जाएगी, और तुम आंखों से अंधे हो, घड़ी किस काम तुम्हारे। तो देखिए सूरदास जी ने उस व्यक्ति को बड़ा प्यार से जवाब दिया, भैया कैसे, कि तू भी खुदा का बंदा है और ये मैं भी खुदा का बंदा हूं, तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से चलिस। घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली। जैसा कि अभी अभी हमारे भूपेंद्र भैया गा करके गए, बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे कि बदले में कोई वरदान मांग लेती मैं हंस हंस के देता, मेरी जान मांग लेती। जब प्रभु श्री राम अपना वनवास व्यतीत करने के लिए गए, आहा सजनों, पापी रावण माँ सीता का हरण करके ले गया, मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, आज लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो श्री राम के कहने से हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेने के लिए गए, तो अयोध्या पर होकर के हनुमान जी आ रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी को भरत जी ने देखा, भरत जी ने समझा अरे कोई राक्षस जा रहा है, भरत जी ने हनुमान जी पर बाण छोड़ दिया, हनुमान जी राम राम कह करके जमीन पर गिर गए। आहा सजनों, जैसे ही भरत जी ने सुना अरे ये तो कोई राम का भक्त है, पूछा भैया आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, सीता माँ का हरण करके ले गया पापी रावण, मेघनाथ से युद्ध करते करते भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है। आहा सजनों, जब इतने बच्चों को भरत जी ने सुना, तीनों माताओं को बुला लिया गया, तीनों माताओं को बुलाया, और जैसा कि हमारा समाज लगा हुआ है ऐसा ही पूरा अयोध्या आ गया। आहा सजनों, जैसे ही सुमित्रा माँ ने सुना कि मेरे बेटे लक्ष्मण की शक्ति लगी है, आज सुमित्रा माँ कह रही है कि बजरंगबली मेरा आपसे एक निवेदन है, और वो राम से जाकर के कहना भैया कैसे। कहा कि बजरंगबली से सुमित्रा माँ बोली, कहा बजरंगबली से सुमित्रा माँ बोली, क्या बोली, अरे है संदेश मेरा सुनो, हे बजरंगी है संदेश मेरा सुनो,
और तुम राम को सुनाना। मेरा लक्ष्मण मर गया तो मर जाने दे, लेकिन एक काम करना, राम से निवेदन करना, भैया क्या अगर बात आपके दिल को छू जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। देखिए सुमित्रा माँ कह रही है भैया कैसे, और ये है संदेश मेरा सुनो और तुम राम को सुनाना। मेरा लक्ष्मण मर गया तो मर जाने दे, अरे बिना जानकी के वापिस ना। कहीं खो न देना उसकी
जो कुछ भी हुआ है सब मेरे ही कारण तो हुआ है। ना मैं अपने दो वरदान मांगती, ना राम वन को जाते, ना सीता का हरण होता, ना लक्ष्मण की शक्ति लगती। जो कुछ भी हुआ है सब मेरे ही कारण तो हुआ है। देखिए अब कह कही कह रही भैया कैसे। सुनने वाले श्रोता अब बैठे हैं यहाँ पर, जो सुनने वाले श्रोता